और ए महबूब जल्दी से मेरे बंदे मुझे पूछो तो मैं नजदीक हूँ, दुआ कबूल करता हूँ पुकारने वाले की जब वो मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिए कि मेरा हुक्म माने और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं। हज़रत इमाम हसन बसरी से इमाम इबन जरीर तबरी ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया है कि सहाबा कराम अली रिदवान ने सवाल किया आप सरकार से, या रसूलल्लाह अल्लाह कहाँ है? तो ये आया मुबारक नाजिल हुई, जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें तो बताइए कि मैं करीब हूँ। हज़रत इमाम आता ने कहा कि जब ये आयत नाजिल हुई तो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। तो सहाबा कराम ने पूछा हम किस वक्त दुआ करें? ठीक है जी, बात अल्लाह रसूल की सच्ची है जी, और सबसे बेहतरीन दीन समझ में आया तो सहाबा को समझ में आया है जी। हम तो मसलहत का शिकार हो गए, हम लोग मसलहतों का शिकार हो, पार्टीबाजी का शिकार हो गए। मैं आज इंशाल्लाह सनद के साथ, यानी कि जहाँ से मैं रिवायत पढ़ूंगा वो मैं आपको हवाला भी अर्ज़ कर दूंगा, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि इसको याद भी रख सकते हैं, सुनना हो तो इसको बाद में भी आसमात फरमा लीजिएगा। वक्त दुआ का, अब साहबा ने पूछा है नहीं किस वक्त हम दुआ करें, तो ये आया मुबारक नाजिल हुई जब मेरे बंदे आपसे मेरे मुतालिक सवाल करें बताइए कि मैं करीब हूँ, और जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। जामिउल बयान की दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर इसका 93 है, बेरूत से ये छपी हुई है, पाकिस्तान की नहीं। इसमें कोई टाइम मुकर्रर किया अल्लाह के हबीब ने या अल्लाह के कुरान ने किस टाइम दुआ की जाए किस टाइम दुआ ना की जाए? अगर मैं मुकय्यद कर दूँ तो मैंने क्या किया, कुरान के ख़िलाफ़ बात की जी, ठीक हो गया? जब अल्लाह ने कोई टाइम मुकर्रर ही नहीं किया, मेरा रब को छुट्टी पे जाता है, ये कोई ड्यूटी टाइमिंग है? वो रब है, मालिकुल मुल्क है, जब भी कोई बंदा उसको पुकारे जिस टाइम जी, अभी आप शुरू हो जाएं, अभी अल्लाह कबूल करेगा, घंटे बाद, आधे घंटे बाद, जिस वक्त मर्ज़ी। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारा रब तबारक व तआला हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है कि कौन मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल कर लूँ, कौन मुझसे सवाल करता है मैं उसको अता करूँ, कौन मुझसे मगफ़िरत तलब करता है मैं उसकी मगफ़िरत करूँ। सही बुखारी शरीफ के हदीस। आजकल तो आप बड़े खुश नसीब हैं जी, ये सहरी का टाइम आपको मैसर है, इस टाइम उसकी निदाएँ हो रही हैं, ये सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, निदाएँ मुकर रहा है, बंदे मांग मुझसे मैं तुझे दूँगा, क्या चाहिए क्या तुझे, मांग तो सही ना। मैंने कल अर्ज़ किया ना जी, इखलास होना ज़रूरी है, मांगने के अंदर इखलास होना ज़रूरी है। ऐवें वो मुलम्मा साजी से कुछ है नहीं मिलती। जामे तिर्मिज़ी शरीफ के हदीस पाक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ इबादत का मगज़ है, कोई भी आप इबादत करें उसके बाद दुआ लाजमी करो यार, लाजमी दुआ करो। मैं ख़ुद जो है ना जी दरबारों पे जाने वाला हूँ, अल्लाह रसूल जितने भी अल्लाह के नेक बंदे हैं उन तमाम के मज़ारात मैं जाकर फातिहा खानी भी करता हूँ, लेकिन डायरेक्ट उनसे मांगना शुरू कर देना ये बात गलत है, ये बात गलत है। आप जाएं फातिहा शरीफ करें, उनके इसलिए सवाब करें और अल्लाह से दुआ करें मौला करीम जो अनवार व तजल्लियात तो इनके ऊपर नाजिल कर रहा है थोड़ी सी हमें भी अता फरमा दे। हाँ जी, तो वो अब क्या जहालत का तो कोई इलाज नहीं है ना जी, बाबा जी देना है तो तुसे ही देना है, बाबे को देने वाला कौन है, अल्लाह देने वाला है ना, तो तू अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करता, दुआ कर या अल्लाह इसकी भी मगफिरत कर दे हमारी भी मगफिरत कर दे, इसने तुझे राज़ी किया है जो इस पर अनवार व तजल्लियात आ रही हैं, हमारा भेजने वाला तो है, थोड़ी सी हमें भी अता फरमा दे। ठीक है ना जी, अब जाहिलों का इलाज कोई नहीं है, जाहिलों का कोई दीन मज़हब नहीं होता। हज़रत अनस बिन मालिक से ही रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपनी हर हाजत का अल्लाह से सवाल करो,
हत्ता के तुम्हारी जूती का तस्मा भी टूट जाए ना, वो भी कोई अल्लाह मुझे जूती का तस्मा चाहिए। ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से सवाल नहीं करता अल्लाह उस पर गज़बनाक हो जाता है। हाय हाय हाय, कैसी यार बात है, अल्लाह से ना मांगो तो अल्लाह नाराज़ होता है, मांगो तो राज़ी हो जाता है, दुनियादार से मांगो तो दुनियादार तंग आ जाता है, गज़बनाक हो जाता है कि हमसे मांगने आ गए हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को इससे खुशी हो कि अल्लाह सख्तियों और मुसीबतों में उसकी दुआ कबूल करे, वो ऐश और आराम में अल्लाह ताला से बकसरत दुआ किया करे। हमने भी जो अल्लाह रसूल को ना जी वो कुरान हदीस को हमने भी मुश्किलों के लिए रख दिया, जब कोई मुसीबत पड़ जाए, कोई बला आ जाए, कुरान खानी करा लो जी, आयत करीमा पढ़ा लो जी, मौलवी साहब को दुआ कर दो जी। तो जब आप आसानी में थे, जब आप ऐश आराम में थे, आपने अल्लाह से दुआ की है? अगर की है तो मुबारक हो, अब हर दुआ आपकी कबूल होगी, अगर नहीं की तो उसकी मर्ज़ी है जी, वो कबूल करे करे, ना करे ना करे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, ये भी जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, कि एक दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बैठा हुआ था, आपने फरमाया, ए बेटे मैं तुमको चंद कलिमात की तालीम देता हूँ, तुम अल्लाह के हुकूक़ की हिफाज़त करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाज़त करेगा, तुम अल्लाह के हुकूक़ की हिफाज़त करो, तुम अल्लाह की तकदीर को अपने सामने पाओगे, जब तुम सवाल करो तो अल्लाह से सवाल करो, जब तुम मदद चाहो तो अल्लाह से मदद चाहो। ठीक है जी, बंदा मांगने वाला होना, ढंग आना चाहिए ना जी, मांगने का ढंग होना चाहिए। आप मांगेंगे और फिर आप देखें कैसे अल्लाह आपकी मदद करता है गैब से, ऐसे वो मदद, मैंने कल वो हदीस पाक अर्ज़ की थी ना जी, फरिश्तों की ड्यूटियाँ लग जाती हैं जी, अब इसकी मदद करो। हज़रत मालिक बिन यसार कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो अपनी हथेलियों के बातिन से सवाल करो, ऐसे सवाल करो, पुश्त से सवाल न करो। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हज़रत सलमान फ़ारसी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब हया वाला करीम है, जब उसका कोई बंदा उसकी तरफ अपने दोनों हाथों को उठाता है तो वो उनको खाली लुटाने से हया फरमाता है। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की। आज तो हम भाई अल्लाह से भी दुआ मांगते हैं ना, ये दुआ हो रही हो ना जी, तो बाद बंदों के हाथ नीचे होते हैं, हाथ नीचे होते हैं, बाद हाथ उठाना पसंद ही नहीं करते, पसंद ही नहीं करते। ओए अल्लाह के बंदे, क्या हो गया तुझे, किस रास्ते पर चल पड़ा है, बंदे से मांग रहा है, उस करीम से मांग रहा है जिस करीम की बारगाह में एक दफ़ा कोई दस्ते सवाल दराज कर दे तो वो खाली नहीं लौटा। क्या अल्लाह के खजानों में कोई कमी है? या ठीक है, जो हाथ नहीं उठाते शायद उनका अकीदा यही हो, नज़रिया यही हो, लेकिन अल्लाह के हबीब के ये फरामीन मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। अच्छा जी, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि सवाल का तरीका ये है कि अपने दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाओ। इस्तिग़फ़ार का तरीका यह है कि उंगली से इशारा करो, और गिड़गिड़ाकर सवाल करने का तरीका यह है कि अपने दोनों हाथ फैलाओ। यानी यहाँ से ये पता चला कि दुआ करते वक्त हाथ कहाँ 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 होने चाहिए, ऐसे ये नॉर्मल हालत है, ऐसे और ऐसे, ये तीनों चीज़ें मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी जब दुआ फरमाते तो आपकी बाज़ मरतबा बगलें जो है इनकी नूरानियत नज़र आए, हमारी तो काली है ना जी, वो तो नूर नाला नूर ज़ात थी, उनकी बगलें भी नज़र आती थी। हज़रत अबू मुहय्यर बयान करते हैं कि जब तुम अल्लाह से सवाल करो तो हथेलियों के बातिन से सवाल करो, हथेलियों के पुश से सवाल न करो। ये मुसनब अब्दुलरज़ाक की हदीस पाक है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम दुआ में हाथ बुलंद करते और हाथों को नीचे न गिराते हत्ता के आप अपने चेहरे पे मल लेते। ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। दुआ ऐसे करते, हाथ बुलंद करते, और दुआ में हाथ बुलंद करने के बाद जब दुआ ख़त्म फरमाते तो क्या करते, चेहरे अनवर पे फेर लेते। ये कौन करता है जी? आपके नबी। याद रखें, ज़िंदगी में एक मर्तबा भी अगर मेरे नबी ने कोई काम किया है, एक मर्तबा भी,
वो कयामत तक के लिए उम्मत के लिए सुन्नत हो गया। अब कोई उसको बिदत कहे, गुमराही कहे, शिर्क कहे, उससे बड़ा बेईमान ही कोई नहीं। वो किसके किसके अमल को तू गलत कह रहा है? तुझे पता है जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कह रहा है जो तौहीद की और शरीयत के प्रचार के लिए जलवागर हुए? हजरत अबू उमामा बाहिली बयान करते हैं कि अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला किस वक्त दुआ ज़्यादा कबूल फरमाता है? तो आपने फरमाया रात के आखिरी हिस्से में और फ़र्ज़ नमाजों के बाद। रात के ये जो सहरी का वक्त है, सादा से लफ्ज़ सहरी के वक्त में और किस वक्त? फ़र्ज़ नमाजों के, फ़र्ज़ नमाजों के बाद। ये जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। मालूम हुआ कि जो साथी सलाम फेरते ही उठ के दौड़ जाते हैं ना जी, वो सुन्नत पे अमल नहीं कर रहे। कोई भी फ़र्ज़ नमाज है, फजर है, जोहर है, असर है, मगरिब है, शाह है, जनाजा है, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद अल्लाह ताला दुआ कबूल करता है। अब यहाँ पर दुआ जिसने नहीं की उसने किसका नुकसान किया? अल्लाह का नुकसान किया है, उसके हबीब का किया है, नुकसान उसका अपना है। कबूलियत का वक्त था, तूने वो वक्त ज़ाया कर दिया। अब आगे अल्लाह जाने तुझे नसीब भी हो मांगना कि ना नसीब हो। अच्छा जी, हजरत साद रदी अल्लाह तआला बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलिमात से अल्लाह ताला की पनाह चाहते थे। ऐ अल्लाह, मैं बुजदिली से तेरी पनाह में आता हूँ, मैं बुखल से तेरी पनाह में आता हूँ, मैं अर्ज़लिल उम्र से, यानी ऐसा बुढ़ापा जिस बुढ़ापे में बंदा अवज़ार हो जाए, ऐसा बुढ़ापा कि चारपाई पे पड़ गया, कोई करने वाला ही कोई नहीं, खाने पीने चलने फिरने से बंदा अवज़ार हो गया, ऐसे अवज़ारी के बुढ़ापे से, या अल्लाह अर्ज़लिल उम्र से तेरी पनाह में आता हूँ, दुनिया के फितने और अजाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ये भी जामे तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। मुस्लिम बिन अबी बकरा बयान करते हैं कि मेरे वालिद हर नमाज के बाद ये दुआ करते थे, ऐ अल्लाह, मैं कुफर फ़कर और अजाब कब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। अच्छा जी, मैं भी ये दुआ करने लगा। मेरे वालिद ने पूछा, ऐ मेरे बेटे, ये दुआ कहाँ से हासिल की? तो मैंने कहा आपसे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद ये दुआ करते थे। ये सुनन नसाई शरीफ की पहली